सैर सपाटे की फ़िश व्लॉग सीरीज़ में आज हम मौजूद हैं बागबानपुरा में कराची फ़िश पे। कराची फ़िश पर बहुत ज़्यादा रश है और धड़ाधड़ मछली फरोख्त हो रही है। इसमें ख़ास बात क्या है वो भी टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं। इनकी चटनी भी बहुत अच्छी मालूम हो रही है और फ़िश का जायका भी लग रहा है, तो आइए शुरू करते हैं। सैर सपाटे ने ये फ़िश व्लॉग का सिलसिला शुरू किया है, इसमें लाहौर के फ़िश ढाबों से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके और आप मज़े मज़े की बनी हुई फ़िश देख सकें। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई ये बताइएगा कि आपके पास फिश का यहाँ माशाल्लाह बहुत रश है, इसकी कोई खास रेसिपी है आपके पास या क्या चीज़ है? पहली तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है, ठीक है ना। अल्लाह ताला जिसे नवाजे, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीज़ का मियार रखा हुआ है, ठीक है ना। चीज़ का मियार में ये होता है कि हमने ऑयल अपना सूफी यूज़ करना होता है, सूफी ऑयल यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास रोहू का 2.5 किलो वाला पीस है, 2.25 किलो 2.5 किलो वाला पीस दे रहे हैं कस्टमर को, और रेट भी बिल्कुल मुनासिब रखा हुआ है और चीज़ का मियार है, ठीक है। एक टेस्ट देते हैं लोगों को, यही वजह है रश की बस। तो आपके जो मसाला जाते हैं, जो खास मसाला जाते हैं, अपने तैयार करते हैं या हम मार्केट से मसाला जाते हैं? नहीं जी, ये तो हमारी अपनी स्पेशली जो रेसिपी है वो ही है, ठीक है। हम बाज़ार से कुछ भी नहीं लाते, ये एक अपनी रेसिपी रखी हुई है हमने, दुनिया से डिफरेंट, लोगों से डिफरेंट रखी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो टेस्ट हमारे पास है, बड़ी बड़ी दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। अगर हमारी शॉप पे किसी ने फिश नहीं टेस्ट की, एक दफ़ा लाजमी आए फिश खाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर कभी भी कहीं पे नहीं जाएगा। जी आप बताइएगा फिश के टेस्ट के बारे में। सर ये बहुत अच्छी फिश है और इनका नाम बड़ा मशहूर हुआ है, यहाँ पे बड़े कदीमी फिश वाले हैं मगर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए सबके। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ फिश खाने के लिए? हम यहाँ से तकरीबन दूसरा साल है कि हम यहाँ से फिश खा रहे हैं। तो इस जैसा जायका कहीं और नहीं मिला आपको? नहीं नहीं, इनका जायका सबसे मुनफरिद है, और उस जायके की वजह से आप यहाँ पे खवातीन भी आ रही हैं खाने के लिए, बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, इन जैसा टेस्ट अभी किसी का नहीं है इस रोड पे। आपके ख्याल में सरदार की फिश बेहतर है या इनकी बेहतर है? सर नहीं, सरदार में अब कितने ही नाम आ गए हैं, तो ये चेंजिंग है, एक चेंजिंग आप देख लेंगे सरदार के पास कितना रश है, इनके पास कितना रश है। यानी आपके ख्याल में सरदार से बेहतर ये है? जी एब्सोल्युटली। मैं यहाँ तो 15 साल हो गया फिश खाते हुए। 15 साल से आप लोग यहाँ फिश खा रहे हैं, इस यहाँ की फिश की ऐसी क्या खास बात है कि आप 15 साल से यहाँ खा रहे हैं? हमें कहीं और का टेस्ट पसंद ही नहीं आता। घर में ऐसी फिश नहीं बना सकती आप? नहीं, हमें बस टेस्ट ही यही का पसंद है, हम शुरू से यही से खाते हैं। सामने आ गए।
160